सेंटर यूट्यूब चैनल और टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल के और सभी स्टूडेंट्स और साथियों का स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं पार्ट 12। इसमें हम बता रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है विश्व स्तर से भारत में फिर अपने राज्य बिहार में किस अनुसार से फैला है, आइए इसको देखते हैं। पहला संदिग्ध मामला और पहला स्वीकृत मामला, ये दोनों को समझ है, ठीक है। संदिग्ध मामला होता है कि संभावना वाले, ठीक है। स्वीकृत मतलब कन्फर्म हो गया और पहला मृत्यु दूसरा मृत्यु, इसके बारे में विस्तार से देख लेते हैं, ठीक है। आज हम लोग पार्ट 12 देख रहे हैं। विश्व में चीन में फैला, चीन के वुहान शहर से कोरोना वायरस, और इसमें कब मामला पहला संदिग्ध आया था चीन में 31 दिसंबर 2019 को, तब उसने WHO को सूचित किया, ठीक है। इसके बाद पहला स्वीकृत मामला चीन में कब आया, 9 जनवरी 2020 को, और पहला मृत्यु चीन में कब हुआ, तो 6 फरवरी 2020 को। डॉक्टर ली विलियम, ये 34 वर्ष के वायरस वैज्ञानिक थे, इन्होंने वहाँ पे दिसंबर में ही बता दिया था कि इस तरह से सार्स तरह का कोई भी विषाणु है जो कि कोरोना है, तो इसको अफवाह फैलाने के जुर्म में जो है कि चीन में इसको जेल में बंद कर दिया गया था, ठीक है। इसके बाद दूसरा मृत्यु हुआ चीन में 13 फरवरी 2020 को, और ऑन रिकॉर्ड 254 लोगों का मौत हुआ, ठीक है। उसी सीरीज में भारत में देखते हैं, पहला संदिग्ध मामला भारत में आया 26 जनवरी 2020, ठीक है, जयपुर राजस्थान में। इसके बाद पहला स्वीकृत मामला हुआ 30 जनवरी 2020 को केरल में, और दूसरा फिर स्वीकृत मामला 3 फरवरी 2020 को, और भारत में पहला मृत्यु जो हुआ वो 12 मार्च 2020 को हुआ है, ठीक है। सिद्दीकी नाम के एक व्यक्ति थे, 76 वर्ष की उम्र में सऊदी अरब से आए थे, कर्नाटक में मृत्यु हुई, ठीक है। और दूसरा हुआ 14 मार्च 2020 को, एक महिला थी जिसका दिल्ली में मृत्यु हुआ, ठीक है। अब बिहार में देखते हैं, बिहार में पहला संदिग्ध मामला है 27 जनवरी 2020 को छपरा सारण में। इसके बाद दूसरा पहला स्वीकृत मामला हुआ 13 मार्च 2020 को, और पहला मृत्यु बिहार में जो है 21 मार्च 2020 को, फिर दूसरा मृत्यु बिहार में कोरोना वायरस के कारण 3 अप्रैल 2020 निक भोजपुर में, ठीक है। अब देखिए कि चीन से भारत वायरस आया कैसे है, तो चीन से भारत वायरस आया है मेडिकल और रिसर्च स्टूडेंट्स के द्वारा, अधिकांश, ठीक है, इन लोगों के द्वारा आया है, कोरोना वायरस फैला है, ठीक है। अब आइए कुछ VVI क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। कोरोना वायरस के चलते किस देश ने भारत के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए मैटरहॉर्न पर्वत पर 1000 मीटर तिरंगा उकेरा है, तो यह है स्विट्जरलैंड, ठीक है। विश्व बैंक की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में किस कामगार पर लॉकडाउन का असर पड़ा है, कितने कामगार पर, तो ये 4 करोड़ कामगार पर लॉकडाउन का असर पड़ रहा है, ठीक है। आज दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने एक मुहिम शुरू किया, उसका नाम है भारत पढ़े ऑनलाइन, जैसे अभी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने किसे दंडनीय अपराध माना है, सार्वजनिक जगह पे थूकना को दंडनीय अपराध माना गया है, ठीक है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के चलते किसके लिए बीमा योजना शुरू किया, तो स्वास्थ्य कर्मी के लिए। इसके बाद देश में फैले फंसे विदेशी सैलानियों को मदद के लिए पर्यटन मंत्रालय ने एक पोर्टल शुरू किया जिसका नाम है स्टैंडर्ड इन इंडिया, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सा टूर्नामेंट कोरोना वायरस के कारण स्थगित हुआ, तो यह है विंबलडन 2020, ठीक है। कोरोना वायरस से प्रभावित अन्य खेल जो है, आइए देख लेते हैं, राष्ट्रमंडल है, IPL है, Under-17 फीफा वर्ल्ड कप है, इसके बाद महिला यूरो चैंपियनशिप 2021, ठीक है। और किस भारतीय शो ने 16 अप्रैल 2020 को प्रसारित हुए एपिसोड ने दुनिया भर में सबसे ज्यादा 7.7 करोड़ देखे जाने का रिकॉर्ड बनाया, यह है रामायण, ठीक है। और किसको नया सतर्कता आयुक्त CVC नियुक्त किया गया है, तो यह है संजय कोठारी, ये रिटायर्ड IAS है, ठीक है। और मोदीज ने कोरोना वायरस के चलते वित्त वर्ष 2020 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान किया है, तो यह है 2.5%, ठीक है। मोदी अर्थव्यवस्था का आकलन करती है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इस बात को समझ गए होंगे अच्छी तरह से, हमें विश्वास है कि आप ये पूरा ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह से याद हो गया होगा। अभी अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि आप रेगुलर देखते हैं तो इसे शेयर करें, इससे पहले भी
देखे हैं तो आप इसको देख लें।